कमी व्यूवर्स कैसे हैं आप लोगों के बीच? तो आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, जैसे आप देख रहे हैं कि एनएमडी कैट की बायोलॉजी हमारी कंटिन्यू है और चैप्टर टू का जो टॉपिक टू लिपिड्स है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसे हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो इसके कुछ एमसीक्यू के हवाले से कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, देन हम देखेंगे कि व्हाट आर लिपिड्स और लिपिड्स के आगे कुछ एक दो कैटेगरीज हैं जो हमें यहाँ पर एमसीक्यू के लिहाज से डिस्कस करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि लिपिड्स हैं क्या। आपके जो लिपिड्स हैं ये और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स ले लें, ठीक है, जितनी भी आपके पास ये आपके बायो मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिकली दीज आर द बायो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं। ये आपके एनर्जी कैरिंग कंपाउंड्स होते हैं, एनर्जी कैरिंग कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, राइट। अब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स को, और कार्बोहाइड्रेट्स में हमने एक चीज़ देखी थी कि उनमें कार्बन होती है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होती है। जबकि अगर आप लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स की कैटेगरी में जब आप देखेंगे तो आपको जो ऑक्सीजन का पोर्शन है वो बहुत कम मिलेगा, यानी लेस पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन आपको मिलेगा लिपिड्स की कैटेगरी में, और ज़्यादातर आपको जो मिलेगा वो ये कार्बन और हाइड्रोजन का पोर्शन जो है वो मिलेगा। सो दैट्स वाई जब आप लिपिड्स की बात करेंगे तो लिपिड्स में एनर्जी की जो अमाउंट होती है वो डबल होती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कार्बोहाइड्रेट। यानी कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को लें और लिपिड्स को कंपेयर करें तो सबसे मेन डिफरेंस यही आपको एनर्जी के लिहाज से नज़र आता है कि लिपिड्स के अंदर जो एनर्जी की अमाउंट है वो डबल है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, कि उसमें एनर्जी की अमाउंट हाफ है। इन केस अगर आप सिंपली ले लें कि वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर आप लें तो आपको 4.5 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो दे रहा होता है, लिपिड जो है वो आपको देगा 9, ठीक है ना, क्योंकि वो डबल अमाउंट उसके लिए होगी। सो दैट्स वाई ये हम जो है वो यूज़ करते हैं कि लिपिड्स जो हैं एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स हैं। इसकी आगे से टाइप्स हैं कि फैटी एसिड्स इनमें आ जाते हैं, एसाइल ग्लिसरॉल्स आ जाते हैं, वैक्सीज आ जाती हैं, ठीक है, और फॉस्फोलिपिड्स इनमें आ जाते हैं। अब थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लें तो मूव करें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जैसे वैक्सीज हैं, राइट, वैक्सीज हैं, या आपके पास कुछ और फॉस्फोलिपिड्स हैं, राइट। इसी के साथ साथ आपके पास असाइल ग्लिसरॉल्स हैं। अब ये सारे के सारे जो हैं ये आपके क्या हैं, लिपिड्स हैं। बेसिकली मेजॉरिटी के लिहाज से हम जो एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसी तरह जब आप फर्दर आगे मूव करेंगे तो लिपिड्स जो है आपको एक इंसुलेटर का काम भी करते हैं हमारी बॉडी में, इंसुलेटर क्या होता है कि अगर आप बॉडी के लिहाज से बात करें तो हम हीट इंसुलेटर की बात करेंगे हीट के लिहाज से। अगर आप इंजीनियरिंग वाली साइड पर चले जाएँ, फिजिक्स में चले जाएँ, तो वहाँ पर कंडक्टर और इंसुलेटर का रोल इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें ह्यूमन बॉडी के अंदर तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से तो हम इसको स्टडी नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे हीट के लिहाज से। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंसुलेटर और कंडक्टर में डिफरेंस यही है कि जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाता है, लेकिन जो इंसुलेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवाता। सेम एज इट इज़ बॉडी के अंदर भी ये काम होता है कि आपके पास कुछ इंसुलेटर्स होते हैं, और वो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। अब ये इंसुलेटर्स कहाँ होते हैं, ये आपकी आउटर जो स्किन का पोर्शन है यहाँ पर होते हैं, जो आपकी बॉडी की जो स्किन है सारी, इसमें लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं। ये क्या काम कर रहे होते हैं, ये इंसुलेटर का काम कर रहे होते हैं, मतलब कि हीट को बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में एब्जॉर्ब होने नहीं देते, ये इनका मेन फंक्शन होता है यहाँ पर। इसके अलावा फर्दर जब आप आगे मूव करेंगे तो हम आ जाएंगे अपने असाइल ग्लिसरॉल के ऊपर, ठीक है। अब जब आप असाइल ग्लिसरॉल्स में आएंगे तो असाइल ग्लिसरॉल्स में इनको ट्राइग्लिसराइड्स भी कह सकते हैं आप, ट्राइग्लिसराइड्स, या आप इनको ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं, या आप इनको न्यूट्रल लिपिड्स भी कह सकते हैं। न्यूट्रल लिपिड्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इन पे कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, इनमें कोई भी एसिडिक या बेसिक ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो एसिडिक और बेसिक ग्रुप भी नहीं एग्जिस्ट करता, कोई चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करता। सो डैट्स वाई जितने भी आपके असाइल ग्लिसरॉल्स हैं, असाइल ग्लिसरॉल्स को आप ट्राई ग्लिसराइड्स भी कह सकते हैं, इसको आप ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं, या इसको आप न्यूट्रल लिपिड भी कह सकते हैं।
और न्यूट्रल लिपिड इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी एसिडिक और बेसिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है इनमें, कोई चार्ज नहीं है, सो डैट्स वाई दे आर न्यूट्रल इन नेचर। तो ये इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके लिहाज से। इसके बाद जब हम इनके स्ट्रक्चर के ऊपर मूव करेंगे या इनका फंक्शन हम बेसिकली देखेंगे तो वो क्या होगा, अगर मैं थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर यूं होता है कि आपके पास जो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है या ट्राई ग्लिसराइड्स हैं, ये बेसिकली आपके पास कंपाउंड्स हैं आपके ईस्टर्स और अल्कोहल्स के, ईस्टर्स एंड अल्कोहल्स के, राइट। अब फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक तरफ हो अल्कोहल, एक तरफ हो आपके पास हम ले लेते हैं जी कोई अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, और इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी ईस्टर और साथ में आपके पास बनेगा वाटर। अब अल्कोहल के साथ आपने ऐड करना है ग्लिसरॉल को, ठीक है, या आप एसिटिक एसिड ले लें, एसिटिक एसिड ले लें, एसिटिक एसिड, राइट। तो अल्कोहल आपके पास जैसे हम कह लेते हैं कि C2H5OH है, राइट, और एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला आपके पास वो है आपके पास HCOOCH3, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास अल्कोहल है और ये आपके पास एसिटिक एसिड है। अल्कोहल का OH आपके एसिटिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ जब वो मिल जाएगा, जब अल्कोहल का OH एसिटिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो रिजल्टेंट आपके पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा, ईस्टर होगा। जब इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH इसके साथ मिलेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर H2O, और ये वाटर आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो आपने देखा कि जब भी अल्कोहल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो वो आपके पास रिजल्टेंट कंपाउंड दे रही है ईस्टर। अब इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं एक, और वह नाम यह है स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन, और यहां पर जो फिर बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहते हैं ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड या ईस्टर लिंकेज। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये पता चल गया हमें कि लिपिड्स के अंदर आपके पास जब आप असाइल ग्लिसरॉल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पर जो बॉन्ड बन रहा है वो आपका ईस्टर बॉन्ड है या ईस्टर लिंकेज है, स्टेरिफिकेशन है, ठीक है, और ये आपका जो रिएक्शन है वो इस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। अब जो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल उसको कह रहे हैं उसकी वजह क्या है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल का मतलब है कि आपके पास तीन मॉलिक्यूल हैं अल्कोहल के और तीन आपके पास हैं ग्लिसरॉल, ठीक है जी। जब तीन मॉलिक्यूल अल्कोहल के हों और तीन मॉलिक्यूल हों ग्लिसरॉल के तो इसको मैं डिजाइन कर लेता हूं, R सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, OH एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का, दूसरा मॉलिक्यूल ले लें R सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, OH डबल बॉन्ड O, R सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, OH डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये मैंने तीन मॉलिक्यूल आपके ले लिए, इसके साथ मैं ले लेता हूँ आपके ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स जैसे H सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, ये आपका आ जाएगा H OH, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, सेम एज इट इज, नीचे भी आपके पास जो इसी तरह से आ जाएंगे और ये इस तरह से आपका जो है वो मिलेगा, ठीक है। जब ये इस तरह से मिलेगा आपका तो ये आपका जो है इस इधर भी एक ऑक्सीजन लग जाएगा, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो जब ये मिल जाएगा आपका तो एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से जो है वो रिमूव होगा। सो एज इट इज इस तरह से ये रिएक्शन चलेगा आपका। जब ये रिएक्शन आपका कंटिन्यू रहेगा तो आपने देखा है कि तीन आपके पास हैं अल्कोहल और तीन हैं आपके पास ग्लिसरॉल, और रिजल्टेंट में आपके पास जो है वो तीन बनेंगे ईस्टर के मॉलिक्यूल्स और साथ में तीन ही आपके पास जो है वो H2O के मॉलिक्यूल्स जो है वो आएंगे। तो ये एक इसका जनरल लिंकेज होती है और ईस्टर बॉन्ड जो है वो बनता है हमारे पास, ये ट्राई असाइल ग्लिसरॉल का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद फर्दर जब हम आगे मूव करेंगे
फर्दर जब थोड़ा सा आगे हम मूव करेंगे तो हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के. फैटी एसिड्स सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. अब जैसे हम बात कर रहे थे कि हमने अल्कोहल और ग्लिसरॉल जो है उसको मिला दिया, तो वो हमारे पास जो है वो एक असाइल ग्लिसरॉल ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बन गया. ठीक है, जिसमें जो ग्लिसरॉल आपने यूज़ की, ठीक है, वो आपने ली एच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड आपका जो है इस तरह से आपने इसको यूज़ किया. ठीक है ना, तो ये आप सारा रिएक्शन जब आप यूज़ करेंगे तो ग्लिसरॉल आपने ले ली, ठीक है, इसी के साथ साथ आपने जो है वो अल्कोहल को यूज़ किया. अल्कोहल आपके पास थी C2H5OH, ठीक है जी, ये आपने अल्कोहल यूज़ कर ली तो आपके पास जो है वो असाइल ग्लिसरॉल ट्राई असाइल ग्लिसरॉल जो आपने इस तरीके से बनाए. अब आप बनाएंगे फैटी एसिड्स. अब फैटी एसिड्स में भी आपके पास कैटेगरीज हैं, जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और आपके पास कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं. ठीक है जी, अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में मेन डिफरेंस क्या है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैसिलिटेड हैं जिनमें के आपका जस्ट सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स हैं जिनमें या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा. ठीक है, तो इस तरह के जो फैटी एसिड्स जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो वो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, और ऐसे बॉन्ड्स ऐसे फैटी एसिड्स जिनमें सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करे वो आपके क्या हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इसके लिहाज से जब आप बात करेंगे तो जो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इसकी जब आप बात करें और अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो ये हम इनको ले लेते हैं एनिमल और प्लांट्स की कैटेगरीज के लिहाज से, उनको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि इनकी जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं इनकी जो सॉलिबिलिटी और जो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस आता है. हमेशा आपने याद रखना है कि आपने देखना है कार्बन नंबर को, कार्बन नंबर को, जितना कार्बन नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा उतना मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी. यानी कि आपकी जो मेल्टिंग पॉइंट है और इसकी जो सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैटी एसिड्स वो डिपेंड करती है आपके कार्बन के नंबर के ऊपर, कि कार्बन का नंबर कितना है. अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लें एक C2 कार्बन नंबर ले लें, एक C4 कार्बन नंबर ले लें, ठीक है, C16 ले लें, C18 ले लें, ठीक है, तो इस तरह आप कंटिन्यूसली चलते रहें. अब अगर आप इस वाले कार्बन नंबर पे देखें तो ये कार्बन नंबर इसमें बहुत लो है इस फैटी एसिड में, सो डैट्स वाई इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और इसका जो सॉलिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप C18 की तरफ मूव करें. तो C18 में क्या है कि कार्बन नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो कार्बन नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो गई. तो डिपेंड करती है मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी उसके कार्बन के नंबर के ऊपर. अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक एसिड है जैसे पाल्मिटिक एसिड, ठीक है जी. अब पाल्मिटिक एसिड जो है पाल्मिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 63.1 डिग्री सेल्सियस है, जबकि एज कम्पेयर टू ब्यूटेरिक एसिड जो है उसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो -8 डिग्री सेल्सियस है. अब ये डिफरेंस क्यों आ गया? डिफरेंस आ गया उसके कार्बन नंबर के लिहाज से कि इसमें कार्बन नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू पाल्मिटिक एसिड, कि पाल्मिटिक एसिड में कार्बन नंबर ज़्यादा होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, जबकि इसमें कार्बन नंबर कम होने की वजह से वो वैल्यू उसकी डिक्रीज होगी. तो सॉलिबिलिटी भी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है. इसके बाद थोड़ा सा हम ऑयल्स और फैट्स को डिस्कस करेंगे. ऑयल्स और फैट्स, अगर आप एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स की और प्लांट्स की, तो दोनों के दोनों जो है ये आपको फैटी एसिड्स देते हैं. डिफरेंस क्या होता है कि एनिमल्स के जो फैटी एसिड्स होते हैं वो आपके मोस्टली सॉलिड होते हैं, ठीक है, और प्लांट्स जो होते हैं इनके मोस्टली लिक्विड होते हैं, ठीक है. तो जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं उनको हम कहते हैं फैट्स, और जो लिक्विड में होते हैं उनको हम कहते हैं ऑयल. और ये किस टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर,
यानी कि टेम्परेचर अगर हो 25 डिग्री सेल्सियस, तो उस पे एनिमल के जो हैं फैट्स वो आपके सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे, जबकि प्लांट्स हैं उनके लिक्विड होंगे, ऑयल होंगे रूम टेम्परेचर पे, ठीक है जी। उसके बाद जो आप इसकी बात कर रहे हैं एनिमल्स की, अनब्रांच्ड और ये ब्रांच फॉर्म में, ठीक है जी, जो आपके स्ट्रेट चेन में आ जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे मूव करें तो हम इनके फंक्शंस की तरफ मूव कर जाएंगे। फंक्शंस से आप देखेंगे असाइल ग्रिस रोल्स के, तो असाइल ग्रिस रोल्स के फंक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन का है, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, ठीक है जी। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है बाइल एसिड सिंथेसिस, बाइल एसिड सिंथेसिस, राइट। और बाइल एसिड सिंथेसिस में मोस्टली जो एसिड आ रहा है आपका वो आ रहा है कोलिक एसिड, कोलिक एसिड, राइट। इसके बाद लिपोप्रोटीन ट्रैफिकिंग, लिपो प्रोटीन ट्रैफिकिंग, ठीक है जी। और एपिडर्मिस इंटीग्रिटी, एपिडर्मल इंटीग्रिटी। इसके बाद स्टीरॉयडोजेनेसिस, स्टेरॉयडोजेनेसिस, स्टेरॉयडोजेनेसिस जो है ये बहुत तरह की हो सकती है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल एक इसकी टाइप है एड्रेनल, एड्रेनल स्टेरॉयडोजेनेसिस, जिसमें आपके एड्रेनल हार्मोन्स की सिंथेसिस होगी, ठीक है। ओवरियन, ओवरियन स्टेरॉयडोजेनेसिस, जिसमें आपके ओवरीज के हार्मोन सारे बनेंगे फीमेल के अंदर। गोनेडल, गोनेडल स्टेरॉयडोजेनेसिस, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की आपकी स्टेरॉयडोजेनेसिस है, जिसमें आपके स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। आपके जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, इसमें अगर आप बॉडी के अंदर जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनकी बात करें, तो जितने भी बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे स्टेरॉयड हैं नेचर में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, ये स्टेरॉयड है इसकी नेचर। इसी के साथ साथ ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन ले लें आप, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जो है ये भी एक स्टेरॉयडल हार्मोन है। तो ये सारे इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं। बाइल एसिड सेंसिस, बाइल एसिड सेंसिस होती है आपके लिवर में, ठीक है, ये आपके लिवर में बनता है। लिपोप्रोटीन ट्रैफिकिंग, लिपोप्रोटीन बेसिकली लिपिड्स मिलती हैं आपके प्रोटीन्स के साथ और लिपोप्रोटीन्स बना देती हैं, और इनकी ट्रैफिकिंग थ्रू आपकी सेल मेम्ब्रेन। और एपिडर्मल इंटीग्रिटी, एपिडर्मल इंटीग्रिटी आपकी जो स्किन है वो आपके बैरियर के तौर पर काम कर रही है। तो आपकी एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये तीन लेयर आपकी स्किन की, ठीक है। तो एपिडर्मल यानी आउटर मोस्ट लेयर की बात कर रहे हैं, जो आपके बैरियर के तौर पर काम कर रही है। और स्टेरॉयडोजेनेसिस, जिसमें सेंसिस ऑफ योर स्टेरॉयड हॉर्मोन्स। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इनके असाइल ग्रिस रोल्स के, और कुछ इंपॉर्टेंट इसके पीछे प्रीवियस डिस्कशन की हमने। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो गया असाइल ग्रिस रोल और लिपिड्स का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉस्फोलिपिड्स को। ओके, अल्लाह हाफिज़।